बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि हालिया जो बारिशी डेवलपमेंट्स जो लोकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, कभी कोई केपीके में, कभी पंजाब में, सिंध कश्मीर और बलोचिस्तान में भी हो रही हैं, लेकिन वसी पैमाने पर खुलकर कहीं भी बारिश नहीं हो रही। आप देख रहे हैं चंद दिनों से, आइए सरगोधा छोटा साहिवाल वहाँ पर भी हुई है, पिपला नारोवाल में है, गुजरात कोसलमान एरिया में, ये ऐसे मकाम चोलस्तान में भी कुछ डेवलपमेंट्स जो छोटी लोकल लेवल की डेवलपमेंट होती रही हैं। इन्होंने क्या किया है कि जहां बारिश होती है वहां पे वक्ती तौर पर सुकून तो हो जाता है, लेकिन गिरदोनुमा के कई अजला में जो ना नमी की सूरत हाल नमी ज़्यादा हो जाती है, जिससे हबस में इजाफा होता है। पहले ये अमल आपको मालूम है कि सावन भादों यानी अगस्त सितंबर में ये जो होता था, तो इस बार जून जुलाई में धर लिए गए हैं। ये क्यों हो रहा है, ये लम्हा फिक्रिया है। देखें, ये हबस कमाद या इस तरह की बात फसलों को जो है ना उनको तो फायदा भी पहुंचता है, लेकिन बेशतर फसलों के लिए भी ये नुकसानदेह है, जानवरों के लिए भी। तो कहने का मकसद ये है कि अब हमारे मशरक की तरफ इंडिया ने कोई दीवारें बर्लन तो नहीं तमीर की हुई, वो फेंस के आगे आप देखें बारिश ही बारिश नजर आती है, मशरक में वसी पैमाने पर बारिश जारी है। इधर हमारे कौमी किरदार की वजह से जो है ना हबस की सजा दी जा रही है, तो इस चीज़ के ऊपर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, अल्लाह पाक से आजिज़ी करनी चाहिए, अपने कौमी किरदार को ठीक करना चाहिए।